इलाके के सुरपुरा में पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय विनोद यादव पिता राम किशुन यादव के रूप में की गई है। युवक की बहुत ही बेरहमी से पीट पीट कर उसके घर में ही हत्या हुई है। पहले दोनों पैर तोड़ दिया गया, उसके बाद सरिया से गोद कर मौत की घाट सुला दिया गया। घटना मंगलवार की सुबह की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि ससुराल वालों ने ही पीट पीट कर हत्या किया है। इस घटना के बाद बोधगया थाना की SI आनंद राम ने मृतक की पत्नी, पिता और ससुर को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से अस्पताल भेज दिया है। घर हम लोग कुछ देखे नहीं, झंडा तोलन था तो लेकिन सवेरे स्कूल से निकलता घंटी बजाने के लिए, तब हम लोग को मालूम हुआ, लेकिन बोली तो यहाँ पे आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको हिला डुला के तो नहीं बचा हुआ था। उसको घर में हम लोग यहाँ पे 150-200 आदमी खड़ा है, उसको घर में खुलवा रहे हैं, कोई नहीं कोई खोल रहा है। तो गाँव वाला बोला कि निशानी ला के ऊपर चढ़ के देखो, तो फिर कस के दरवाजा उसको ढक ढकाए, तो फिर देखते उधर से आया उसका बीवी, फिर उधर से आया उसका बाप। हम पूछे कि तुम्हारा घर के परिवार कौन कहाँ रहता है, नहीं रहता कोई पता नहीं है, मतलब कहाँ है तो पानी कहाँ है, तो घर में तुम लोग तीनों आदमी रहते हो, हमको मर्दाना आया ससुराल नहीं आया, हम पूछेंगे नहीं, तो हमारा कोई मालूम ना है। उतना में हम लोग बोले, उसके बाद दरवाजा खोली से तभी आप हम लोग देखे। क्या नाम है इसको? मेरा कामदो यादव नाम है। उनका क्या नाम है? उनका विनोद यादव नाम है। कितना वर्ष उम्र था उनका? क्या उम्र कितना था उनका? 27 वर्ष हो रहा है। अच्छा, ससुराल कहाँ था इनका? ससुराल बोधिया पड़ता है छट्टी राजापुर सोनू बिगा। क्यों, कारण क्या है इसका? कारण ससुराल वाला से साथ इसका विवाद है सर, समझ गए, दोनों मिलके अपने मियां बीवी लड़ाई झगड़ा करता है। अच्छा। देखो घर में बुरा बाप रहता है, उसको भी मारपीट करता है, उसका भी बात नहीं मानता है, केस भी हुआ था। पहले एक बार जेल जा चुका है, यहाँ जो खेती में अनाज हुआ था ना, वो सब ससुराल नैहर भेज दिया था, और फिर नैहर से आया यहाँ, कहता है कि खाना नहीं नहीं हो, तो बोला कि ठीक है यहाँ जो खेती का अनाज हुआ उसका किया, उसमें 112 नंबर पे फोन करके इसको चालान करवा दिया था। महिला पहले जेल गई थी? नहीं, पहले यही की थी। लड़का जेल गया था। अच्छा, उसके बाद अभी छूट गया है, लगता है 1 महीना हुआ है। ससुराल वाला से विवाद चलता है? ससुराल वाला से इसका विवाद है, और किसी से कोई विवाद नहीं, और मारा भी उन्हीं ने। कब की घटना है ये? ये 12 बजे रात में, 12 बजे रात में मार के आपको फेंका हुआ था, 3 बजे झंडा देखा है सर, बच्चा तो बोला नहीं, छोटा बच्चा था।